दोस्तों, स्वागत है आपका इजनेट सेल्फ स्टडी में। आज हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईसीटी इन कंप्यूटर यूजनेट पेपर फर्स्ट के लिए। पिछले जो 10 एमसीक्यूज थे उसमें रिस्पांस आपका काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कुछ ऐसे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनको मानते हुए आगे एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि गूगल, याहू, बिंग आर टाइप्स ऑफ ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और एन ऐप। सो फाइनली वी फाउंड आउट दैट गूगल, याहू, बिंग दीज आर ऑल सर्च इंजन। सर्च इंजन एक्चुअली होता क्या है कि वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च को कैरी आउट करने के लिए, जिसमें आप डालते हैं गूगल का जो एक विंडो आता है उसमें आप कोई भी चीज़ डालते हैं, वो आपको सारे रिलेटेड पेजेस जो दिखा देता है उसको सर्च इंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड। एक आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, फिर उस पर अपने माइक्रो प्रोसेसर, चिपसेट्स और उस पर मेमोरी, PCI स्लॉट, ISA स्लॉट आदि लगे होते हैं, VGA कार्ड सब उसी में लगे होते हैं। बहुत एक सिंगल बड़ा सा बोर्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, डॉटर बोर्ड या मदर बोर्ड। चलिए आंसर्स देखते हैं, आंसर है मदर बोर्ड। मदर बोर्ड क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसको फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, और ये कंप्यूटर का पूरा चेसिस जो है ना, पूरा जो बड़ा सा फ्रेम है उसमें सबसे बड़ा बोर्ड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर बाइट कंसिस्ट ऑफ, सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स द आंसर इज 8 bits, 8 bit का एक बाइट होता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए इसका पहले आंसर सर्च कीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ। MS Word, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबैट रीडर। चलिए ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये एक्चुअली मोजिला फायरफॉक्स जो इंटरनेट ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम में कोडिंग की जाती है, एक सोर्स का कोड होता है, सोर्स कोड मतलब इनिशियल कोड जो उसको क्रिएट करता है। उसके बाद कंपनीज क्या करती हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते, जैसे विंडोज़ के ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, वो उसको अपने हिसाब से ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, अपना अपडेट कोई छोड़ेंगे तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में ऐसा नहीं है, इसमें जनरल पब्लिक उसको मॉडिफाई कर सकती है ओरिजिनल डिज़ाइन से फ्री ऑफ चार्ज, कोई उसको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में ऐसा नहीं है, जैसे विंडोज़ है, MS Word है, एक्रोबैट रीडर है, ये सब ऐसे ओपन सोर्सिंग अलाउ नहीं करते हैं, चार्ज करते हैं वो या तो इस चीज़ के लिए ओपन सोर्स करने के लिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी चार्ज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का केवल ये फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र और ये सब हम इसमें काउंट कर सकते हैं। लाइनक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ASCII ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए अब देखिए, ये चार ऑप्शन है इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं क्या है। ASCII एक्चुअली क्या है कि कोडिंग स्कीम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूरे विश्व में हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि USB का साइज़ इतना ही होना चाहिए तभी वो USB कहलाएगा, तो पूरे लोग मिलके कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। ऐसे ही हम सिंबल्स जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, कंप्यूटर वगैरह की कोडिंग स्कीम डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई अगर हम G की प्रेस करते हैं तो G की प्रेस से कौन सी कितने वोल्ट का सिग्नल जाना चाहिए और कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये सब जो कोडिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर्स की, हर एक करेक्टर नंबर और कंट्रोल की का, जितनी कंट्रोलिंग कीज़ हैं कीबोर्ड की वगैरह की, और इन सब के लिए जो कंट्रोल मैकेनिज्म जो डिसाइड किया जाता है वो ASCII द्वारा किया जाता है। ASCII एक संस्था है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है, पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसी तरीके से करेक्टर की कोडिंग होगी, चाहे वो किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, सब कैसे ASCII स्टैंडर्ड से ही काम करेंगे। अब ये देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। आपको एक लिस्ट ये जो दी गई है इसमें बताइए कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड क्या है। पहली है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी,
एंड सीपीयू रजिस्टर्स। दूसरा ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर्स कैच मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर्स कैच मेमोरी मेन मेमोरी या रैम जिसको बोलते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज। और लास्ट है कैच मेमोरी सीपीयू मेन रैम और सेकेंडरी स्टोरेज। देखते हैं आंसर क्या है। सीपीयू रजिस्टर्स सबसे हाई स्पीड से काम करते हैं क्योंकि सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं जो मेमोरी है उसमें जो भी डेटा आता है वो बहुत सारे मल्टीटास्किंग डेटा है। सीपीयू को सब कुछ करना है, आपके ये सॉफ्टवेयर मैं चला रहा हूँ ये भी इसमें चल रहा है, वर्ड भी इसमें चल रहा है, पावर पॉइंट भी इसमें चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती है सीपीयू को, तो उसके ज़्यादा मेमोरी को फास्ट रखा जाता है। रैम को उसके बाद फास्ट रखा जाता है क्योंकि वो एक रैंडम मेमोरी है, वहाँ काम होगा, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सबसे स्लो होगी। माफ कीजिएगा, सीपीयू रजिस्टर के बाद कैच मेमोरी था। कैच मेमोरी जो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर को फास्ट करने के लिए शॉर्ट मेमोरी जो रहती है उस टाइप की मेमोरी होती है, फिर रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ये इसका टोटल सीक्वेंस रहेगा। तो 3 इसका आंसर है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। प्रॉफिट बिजनेसेस की वेबसाइट के आगे जैसे लिखा होता है ना .com, .edu, .net, .org, इनमें से कौन सा प्रॉफिट बिजनेस के लिए .com, .commerce, ठीक है, इसको .com जो है ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए, एजुकेशन है ये, नेटवर्क है ये, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं ये। अब ये बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है ये, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विल for@gmail.com विल बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। देखिए, आप एक ईमेल मैसेज बनाते हैं तो आपने देखा होगा 2CC BCC। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक क्वेश्चन दिया इन्होंने कि अगर ये जो बंदा है जिसको एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी गई है ईमेल में अटैच करके बनाने वाले ने, तो इस बंदे को कौन कौन से एड्रेस ही दिखेंगे। अब देखिए, या तो इसको केवल ये दिखेगा, या 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 3, 5, या फिर ओनली 5। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1, 2, 3। 1, 2, 3 ऐसा क्यों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो ईमेल में होती है इसकी यही खासियत होती है, जैसे ये दोनों ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है तो इन दोनों को पता नहीं रहेगा कि किसको, इसको भी मेल भेजा गया है, 4 को नहीं पता कि 5 को भी मेल भेजा गया है, ठीक है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है। अब कार्बन कॉपी में 2 को पता है कि 3 को मेल भेजा गया, 3 को भी पता होगा कि 2 को मेल भेजा गया, और ये 2 तो पता ही चलेगा कहाँ से आया है, तो ये एक तो इसको पता चलेगा, सीसीसी वाला जो है वो बीसीसी वाले को बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा क्योंकि सीसीसी में कोई भी कार्बन कॉपी है सबको पता चलेगा, लेकिन ये वाली चीज़ें ये लोग नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें 4Gmail की, तो इसको 1 भी दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा क्योंकि वो BCC के द्वारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी बना दी गई है। DOCX डॉक्स फाइल्स कैन बी ओपन विद, ये जो DOC फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वर्ड का, उसको किस किस से ओपन किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3, 7, 10, ऑल, या बोथ 2 एंड 3। बोथ 2 एंड 3 कैन ओपन, यानी 2003 एंड 2010 कैन ओपन डॉक्स फाइल्स। उससे पिछले जो ऑप्शंस थे 2003 वाला था उसमें DOC फॉर्मेट होता था, DOC फॉर्मेट जो है वो इनसे खुल जाएगा 7 और 10 से, लेकिन डॉक्स फॉर्मेट जो है वो 2007 में इंड्यूस हुआ है, 2007 में इंट्रोडक्ट किया गया डॉक फॉर्मेट, डॉक्स फॉर्मेट, और डॉक्स फॉर्मेट को उससे अगले वर्जन जो खोल सकते हैं एमएस वर्ड 365, एमएस ऑफिस 365, 2010, 2007, ये सब खोल सकते, लेकिन 2003 डॉक्स को नहीं खोल सकता, ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ब्लूटूथ कीबोर्ड जैसे मैंने लगाया लैपटॉप में, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क? प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या वाईफाई नेटवर्क? चलिए सोचिए। तो इसका उत्तर है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है इसको। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है कि इट्स अ नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल वर्क स्पेस। इसमें 10 मीटर की मैक्सिमम रेंज होती है ब्लूटूथ की। ज़्यादातर मैंने कोई हेडफोन लगाया है वो प्राइवेट एरिया नेटवर्क बन गया लैपटॉप के साथ में, कोई कीबोर्ड लगाया है, कोई माउस लगाया है, तो ये एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क बन गया है। इसी को कहा जाता है पैन। ये बहुत पूछा भी गया है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थे उन क्वेश्चंस के आंसर, और धन्यवाद आपका देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, और हैप्पी लर्निंग्स, और बेस्ट ऑफ लक।